Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Unit number 10, factorization of algebraic expressions. Formulas. Students, first of all तो आपने ये formulas को याद करना है. A plus b whole का square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole का square is equal to a square minus 2ab plus b square. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. अब students exercise 10 नहीं है. Resolve into factors. इनको हमने students resolve करना है factors में. First है p square q plus p q square. अब students p square है हमारे पास first of all, तो इसको 2 times लिख सकते हैं. p into p q plus. अब students q square है तो q को 2 times write कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा Q और Q. अब स्टूडेंट्स इसमें से हमारे पास PQ कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म में से PQ कॉमन आ गया. पीछे हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास P बच गया और लास्ट से Q बच गया. PQ हमारे पास कॉमन आ गया, P प्लस Q. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट है सेकंड, 3x³ - 15x²y. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो x³ को हम राइट कर सकते हैं x² x minus 15x²y as it is. अब स्टूडेंट्स इस पूरी टर्म में से हमारे पास 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 3x² कॉमन. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में से हमारे पास बच गया x. फर्स्ट टर्म में से x बच गया माइनस 3 5s are 15. x² हमने कॉमन लिया था तो y बच गया यहाँ से. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है 3x² into x माइनस 5y. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 45y की पावर 4 माइनस 9xy³. अब स्टूडेंट्स 45 एज इट इज, y की पावर 4 को हम राइट कर सकते हैं y की पावर 3 इंटू वाई माइनस 9xy³ वो एज इट इज. अब स्टूडेंट्स इस पूरी टर्म में से 9 के टेबल में हमारे पास 45 भी आता है और 9 भी आता है. तो 9y³ पूरी टर्म में से कॉमन आ जाएगा 9y³ ये हमारे पास कॉमन आ गया पूरी टर्म में से. तो 9 के टेबल में 45 5 पे आता है 5 और y बच गया इसमें से माइनस 9y³ स्टूडेंट्स हमने कॉमन लिया था तो नेक्स्ट टर्म में से x बच गया है. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया 9y³ into 5y minus x. नेक्स्ट है फोर्थ, 6p² plus 12pq². अब स्टूडेंट्स p² को हम 2 times राइट कर सकते हैं 6p into p और q आ जाएगा साथ प्लस 12p q² को भी हम 2 times राइट कर सकते हैं q इंटू q. अब स्टूडेंट्स इस पूरी टर्म में से हमारे पास 6pq कॉमन आ जाएगा 6pq कॉमन आ जाएगा. स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बच गया फर्स्ट p और सेकंड टर्म में से हमारे पास बच गया 6 2s are 12. pq तो हमने कॉमन लिया था तो 2q. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है 6pq इंटू p प्लस 2q. नेक्स्ट है 5a की पावर 4b² प्लस 15a² b की पावर 4. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो a की पावर 4 गिवन है उसको हम राइट कर सकते हैं a² इंटू a² और b² वो तो एज इट इज आएगा प्लस 15a² b की पावर 4 को स्टूडेंट्स हम राइट कर सकते हैं b² इंटू b². अब स्टूडेंट्स इस पूरी टर्म में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5a² b². स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास 5a की पावर 4 को राइट कर लिया a² इंटू a² b² एज इट इज प्लस 15a² एज इट इज b की पावर 4 को राइट किया b² इंटू b². पूरी टर्म में से स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5a² b². हमारे पास टर्म बच गई स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में से हमारे पास स्टूडेंट्स बच गया a² प्लस 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा b² क्योंकि हमने a² और b² स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया नेक्स्ट टर्म में से b². तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया. आई एम अगेन रिपीटिंग 5a की पावर 4b² प्लस 15a² b की पावर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल तो a की पावर 4 को राइट कर लिया 5a² इंटू a² b² एज इट इज प्लस 15a² एज इट इज b की पावर 4 को राइट किया है b² इंटू b². पूरी टर्म में से स्टूडेंट्स 5a² b² कॉमन आ गया है. फर्स्ट टर्म में से a² बच गया प्लस 15 5 3s are 15 होता है तो b² नेक्स्ट टर्म में से बच गया. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट है 6 xy plus y plus 1. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स xy प्लस x, इस टर्म में से स्टूडेंट्स x कॉमन आ जाएगा, y प्लस x हमने कॉमन लिया तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जिसमें से कोई टर्म कॉमन ना हो उसमें से 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन इंटू वाई प्लस 1। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास टर्म रिपीट हो रही है y प्लस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको राइट करेंगे y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है 7 ए एम क्यूब माइनस ए एम स्केयर माइनस एम प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए एम क्यूब को स्टूडेंट्स हम राइट कर सकते हैं ए एम स्केयर इंटू एम माइनस ए एम स्केयर माइनस एम प्लस 1। लास्ट वाली टर्म तो एज इट इज। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं इसमें से ए एम स्केयर कॉमन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में से हमारे पास m बच गया तो m को राइट करेंगे माइनस ए एम स्केयर हमने कॉमन लिया था तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। माइनस नेक्स्ट में से स्टूडेंट्स कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा और जो प्लस वाला साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा m माइनस 1। जब स्टूडेंट्स हम माइनस कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट अगर माइनस वाला साइन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस वाला साइन है अब तो वो माइनस में चेंज हो गया है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉमन टर्म है m माइनस 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको राइट करेंगे और देन हम स्टूडेंट्स ए एम स्केयर माइनस 1 इसको राइट करेंगे। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है 8 4 ए स्केयर प्लस 12 ए बी प्लस 9 बी स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 36। अब स्टूडेंट्स हमने 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करें तो 12y मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो स्टूडेंट 6 और 6 को प्लस करें 12 आता है और 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारे पास टू टर्म्स गिवन है 4a स्क्वायर प्लस 6ab, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है तो इसमें से स्टूडेंट्स 2a कॉमन आ जाएगा इंटू a प्लस 6 2 3s आर 6 2a प्लस 3b। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास 6 और 9 है ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो इसमें से आ जाएगा स्टूडेंट्स 3b कॉमन 2a प्लस 3b। अब स्टूडेंट्स जो कॉमन टर्म आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको राइट करेंगे 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है 9 एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैकेट वैल्यू को सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। फर्स्ट टर्म में से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस पी माइनस। नेक्स्ट टर्म में से स्टूडेंट्स क्यू कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस पी। प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो गया क्योंकि हमने माइनस स्टार्ट में कॉमन लिया था। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस पी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको राइट करेंगे x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है 10 ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से ए बी कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए बी हमने कॉमन लिया था उसकी जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में से माइनस, अब स्टूडेंट्स इसमें से कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा इसमें से माइनस 1 कॉमन, सी प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा माइनस 1 क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया था। अब स्टूडेंट्स जो हमने कॉमन लिया था सी माइनस 1 जो हमारे पास रिपीट हो रहा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे सी माइनस 1 इंटू ए बी माइनस 1। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। लास्ट है आपका एक्सरसाइज 10A का ए प्लस बी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब स्टूडेंट्स इन सब ऑल वैल्यूज़ में p प्लस क्यू प्लस आर कॉमन है ये जो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो a प्लस b प्लस c प्लस a p प्लस क्यू प्लस आर ये हमारे पास कॉमन थी टर्म p प्लस क्यू प्लस आर। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, ये जो ब्रैकेट हमारे पास गिवन है करली ब्रैकेट a प्लस b प्लस c प्लस a इंटू p प्लस q प्लस r। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a भी कॉमन, a 2 टाइम्स आ रहा है प्लस जो हो रहा है, b भी 2 टाइम्स प्लस हो रहा है और c भी 2 टाइम्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस 2b प्लस 2c इंटू p प्लस q प्लस r p प्लस q प्लस r। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो हमारे पास टर्म गिवन है 2a प्लस 2b प्लस 2c इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये हमने स्टूडेंट्स इसका आंसर फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 दे हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10 दे देन यू विल कमेंट मी। इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज लाइक माय वीडियो। मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स। अल्लाह हाफिज।